नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क और मैं हूं अरुण दुबे। सूचना नेटवर्क न्यूज चैनल राजनीति, व्यापार, बॉलीवुड, मनोरंजन, खेल और नवीनतम समाचारों को शामिल करता है। लाइव खबरों एवं ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए सूचना नेटवर्क के। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर सोनभद्र में अनियमित विद्युत कटौती और पानी की समस्या को लेकर हाथ में बाल्टी और पंखा लालटेन दिखाकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा कि जनता की मूलभूत समस्याओं पर सोनभद्र के सांसद विधायक गंभीर नहीं है। सोनभद्र में बिजली पैदा होती है लेकिन दीपक तले अंधेरा कायम है, जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार दम भरती है कि 24 घंटे बिजली दी जाएगी। आज स्थिति यह है कि पानी सप्लाई के समय कटौती की जा रही है। सोनभद्र के ग्रामीण अंचलों में बिजली मिल नहीं पा रही, मुख्यतः मात्र 6 से 7 घंटे बिजली मिल पा रही है। पानी की समस्या अत्यंत खराब हो चुकी है। सरकार का दावा हर घर जल हर घर नल योजना धरातल पर नहीं दिख रही। हैंडपंप खराब व जर्जर हालत में पड़े हैं। आलम यह है कि लोग 4 से 5 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाना पड़ रहा है। नगर में सप्लाई की कोई गारंटी नहीं है। हैंडपंप खराब है, कागजों पर केवल पैसा दिखाया जा रहा है और बजट बनाया जा रहा है। अगर दुर्व्यवस्था को दूर नहीं किया गया तो आंदोलन के लिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बाध्य होंगे। पूर्व नगर सचिव मनीष त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा सरकार बिजली पानी की समस्या पर गंभीर नहीं है। आदिवासी इलाकों में पानी की विकराल समस्या उत्पन्न हो गई है। जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आलम यह है कि जो घरेलू पशु और रोड पर ठहरते पशुओं को भी पानी नसीब नहीं है। प्रदर्शन में मुख्य रूप से मुन्ना कुशवाहा, नौसाद राकेश कुमार, जितेंद्र कुमार, गोपाल गुप्ता, अनिल विश्वकर्मा, जितेंद्र सिंह यादव, हिफाजत, विजय गुप्ता, सरोज पटेल आदि लोग उपस्थित रहे।